السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الحمد لله، اب ہم لوگ مسجد الحرم سے، مسجد النبی سے ہم لوگ زیارت کے لیے جا رہے ہیں، جو کہ ایک شیئرنگ کیب ہے، وین بھی ہے، اور اس میں 10 ریال میں، 10 ریال میں آپ کو مدینہ المنورہ کے جو بھی تاریخی مکان ہیں ان کی زیارت کرائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. ये गाड़ी में बहुत ही कंफर्टेबल है माशाल्लाह, कोई ज़्यादा बंदे को नहीं लिए. ये माशाल्लाह मस्जिद अल बिलाल है, जो कि हरम से बहुत ही करीब में माशाल्लाह. हाँ, इसके बगल में सूक बिलाल बिलाल मार्केट है, और हुजाज के लिए तमर, खजूर, जाने माज बहुत सारी चीज़ आप खरीद सकते हैं. और ये है कबूतर के पॉइंट है, यहाँ पे लोग दाना डालते हैं माशाल्लाह. ये मस्जिद आयशा है माशाल्लाह, जो कि हरम से बहुत ही करीब है ये. और ये सारे जितने भी हैं होटल्स हैं, जो कि हरम से बहुत ही 100 मीटर की दूरी पे ये करीब है. अब हम लोग हरम के पार्किंग से एग्जिट करेंगे. ये हम लोग अभी हरम के पार्किंग के में हैं, क्योंकि पूरा अंडरग्राउंड पार्किंग है माशाल्लाह. इसको यहाँ नफक बोलते हैं, यहाँ टनल है. हमारे साथ बहुत सारे मुल्क के लोग हैं माशाल्लाह, इंडिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, जो ड्राइव कर रहे हैं माशाल्लाह वो सऊदी है. ये स्कूल है, बच्चों के स्कूल है माशाल्लाह. माशाल्लाह मदीना मुनव्वरा में बहुत सारे ज़ियारत के मकाम हैं, और आप इकोनॉमिकली भी आप इसको पूरा सफ़र कर सकते हैं. अगर आपको खुसूसी अगर हरम से मस्जिद अल कुबा जाना है, तो 2 रियाल में भी शेयरिंग वैन में आप जा सकते हैं, और 2 रियाल में आप आ सकते हैं माशाल्लाह. सहूलियत है सारे लोगों के लिए, अल्लाह ताला यहाँ पे इजी किए हुए हैं. ये मजाए मॉल है माशाल्लाह, बहुत बड़ी मॉल है ये. ये माशाल्लाह ये जबल ओहद है, बहुत ही तारीखी इस्लाम में इसका एक मकाम है माशाल्लाह. बहुत ऊँची जबल है माशाल्लाह.
के बाग हैं माशाल्लाह, जो कि पूरा करीब में है माशाल्लाह। फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट है माशाल्लाह, ये कोई भी इमरजेंसी में ये लोग एक्ट करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह जबल ओहद, अभी हम लोग ज़ियारत का पहला जगह जो है शहदा ओहद में शेख लेके आए हैं, और ये हम लोग अब पहला मकान है। अब इंशाल्लाह देखते हैं इसके बाद और शेख कहाँ लेके जाते हैं। अब हम लोग पार्किंग वे में जा रहे हैं, गाड़ी को शेख पार्क करेंगे, उसके बाद जितने भी जो विजिटर्स हैं वो ये शहदा ओहद की ये मस्जिद है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। ये जबल ओहद है माशाल्लाह, जैसे आप देख सकते हैं पूरा करीब से लोग यहाँ कबूतरों को दाना खिलाते हैं। यहाँ बहुत सारे सहाबा की शहादत है। ये मस्जिद है जो कि जबल ओहद के कंपाउंड में एक न्यू मस्जिद बनी है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। अभी पेंडेमिक के लेकर के ये बंद है, लेकिन इंशाल्लाह ये मस्जिद ओपन होगी, नमाज के टाइम ओपन होती है। ये माशाल्लाह जबल ओहद के एक छोटी सी पहाड़ है, अब इस पे हम लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह, ये इंशाल्लाह माशाल्लाह।
काफ़ी ऊंची है, दिखने से नहीं लग रहा है कि ये ऊंची है। जैसे आप देख सकते हैं हम लोग बहुत थोड़ा ऊंचा पे आ गए नीचे से। ये काट काट करके बनाया गया रास्ता। बिस्मिल्लाह, ये सारे पत्थर को कटिंग करके रास्ता बनाए हैं। यहाँ से आप नीचे का व्यू देख सकते हैं, माशाल्लाह वो तो और बड़ी पहाड़ है, वो माशाल्लाह और बड़ी पहाड़ वो है। माशाल्लाह हम लोग अब इस पहाड़ के टॉप पे हैं। ये आखिरी सिरा है, इसका पॉइंट है। माशाल्लाह चलें इंशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह ऊंची ऊंची पहाड़ पे है। माशाल्लाह हाइट से मालूम चल रहा होगा कि एक अच्छा खासा ऊंचाई पे है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोग ये जबल अहद पहाड़ से थोड़ा नीचे उतर रहे हैं। माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, हम लोग ज़ियारत कर लिए हैं शहदा अहद का। अब हम लोग वापस वैन के पास जाएंगे, इंशाल्लाह देखेंगे कि शेख जो है वो कौन सा दूसरा लोकेशन पर ले जाते हैं ज़ियारत के लिए। माशाल्लाह पहले ये एरिया में ओपन मार्केट थी जब आप पहले आए होंगे 10-8-9 साल पहले, तो यहाँ पे पूरी ओपन मार्केट थी। शाम में लोग खजूर बहुत सारी चीज़ लोग बेचते थे यहाँ पे, मिसवाक खजूर अतर। और अभी यहाँ पे उसको डिमोलिश करके उसको हटा करके लोग, पहले खेमा था, छोटा छोटा खेमा था यहाँ पे, लोग यहाँ पे तिजारत करते थे। अब यहाँ पे माशाल्लाह एक बड़ी मस्जिद बन गई है। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं बंगाली, उर्दू, इंडोनेशियन, इंग्लिश, बहुत सारे लैंग्वेजेस में बताए हैं। इसमें आप पढ़ सकते देख सकते क्या क्या है। माशाल्लाह
माशाल्लाह ये हमारी ज़्यारत की बहन है। अब शेख जो है वो दूसरी मकान पे ले जाएंगे। शेख फैन रो तैन किबले तैन माशाल्लाह किबला। अब हम लोग मस्जिद किबले तैन की ज़्यारत करें। लोगों ने जबल उहद का ज़्यारत कर लिया है, अब हम लोग मस्जिद किबला तैन की तरफ जा रहे हैं। हमारे साथ जो शेख है माशाल्लाह अच्छी खासी उम्र है, लेकिन अल्लाह ताला इनको सेहत दे। नहीं मस्जिद किबला तैन अब जा रहे हैं। सारे जबल ओहद ही है माशाल्लाह। माशाल्लाह स्कूल टाइमिंग है अभी, और अभी एग्जामिनेशन चल रहे हैं बच्चे लोगों के, तो इसी के लिए अभी रश बहुत है ट्रैफिक की। ये बॉयज़ स्कूल है बॉयज़ के लिए ही, यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स का अलग अलग सेपरेट स्कूल है। ये माशाल्लाह मदीना की गली है, हम लोग अंदर अंदर की गली है जी, शहर आ गया मदीना शहर आ गया। हाँ ये शहर ही है, लेकिन वो गली गली मतलब इस छोटा छोटा रास्ता अंदर रहता है। हम लोग ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए हम लोग ये मदीना के इंटीरियर रूट से जा रहे हैं, क्योंकि रोड पे हैवी ट्रैफिक है।
अब हम लोग मंजिल की वाला तहन पहुंचने वाले हैं। ये मस्जिद किबला तैन है जो कि अभी मेंटेनेंस के कारण बंद है, तो अभी बाहर से ज़्यादा रखा हुआ है और लोग बाहर नमाज अदा कर सकते हैं। आप नफल पढ़ना है तो आप नफल बाहर में अदा कर सकते हैं। ये अभी ये जो मस्जिद किबला तैन है वो अभी मेंटेनेंस के लेकर के बंद है, तो अभी अंदर नहीं जा सकते, तो हम लोग को बाहर से ही ज़ियारत करके आना होगा। माशाल्लाह ये किबला तैन में कबूतर का ग्रुप है माशाल्लाह। दिस इज हजरे अश्वद एंड दिस इज रोदा फ्रॉम मदीना एंड फ्रॉम मक्का माशाल्लाह। एंड टू पीस 10 रियाल एंड दिस कितार हाउ मच दिस एंड दिस ओट 25 खंदक माशाल्लाह खंदक जा रहे हैं। तो मस्जिद किबला तैन से खंदक की तरफ जा रहे हैं। ये भी एक मदरसा है माशाल्लाह, स्कूल है। ये मस्जिद ये सबा मसाजिद है माशाल्लाह। मस्जिद खंदक भी बोलते हैं इनको। मस्जिद उमर आप देखिए आए देख लीजिए तकदीर कब अल्लाह ताला हाजा मस्जिद उमर हाजा मस्जिद अली आई भाई भाई इंशाल्लाह चल ये मस्जिद उमर है माशाल्लाह। ये माशाल्लाह मस्जिद उमर है माशाल्लाह, पूरा पत्थर से बनाई हुई मस्जिद है, पूरा कंप्लीट पत्थर से बनी हुई मस्जिद है मस्जिद उमर माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम तला बरकात। ये मस्जिद अली है, ये मस्जिद अली है जो कि सबा मसाजिद से बिल्कुल करीब में है। यहाँ पे
सो ज़्यादा रखा हुआ है, लोग नमाज नफिल नमाज आप अदा कर सकते हैं। ये बहुत ही माशाल्लाह पुरानी मस्जिद है, माशाल्लाह बहुत पुरानी है। ये सवा मसाजिद हम लोग ज़ियारत किए हैं, अभी ये भी पेंडेमिक के लेकर के बंद है तो अभी हम लोग एंटर नहीं कर सकते, तो हम लोग बाहर से ज़ियारत कर करके जा रहे हैं। उन्होंने जब दिखाया ना, जब दिखाया तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मुखारा गालिब तीन पत्थर थे, तो एक नाम मैं भूल गया, तो उनका घर नज़दीक था तो वो अपने घर गए, तो घर जाके आपने सुना होगा वो घर गए थे, घर जाके देखा कि क्या है, उसकी वाइफ ने कहा कि उसने कहा कि चलो ये अलान। अब हम लोग को शेख बताएं कि मस्जिद कुबा जाएंगे इंशाल्लाह। अब हम लोग मस्जिद कुबा जा रहे हैं माशाल्लाह। घर गुर कि नबीला सलाम का घर कितने होंगे माई फासमा का आए तली का गुरु दिखा ने पाँच रियाल 5.75 रियाल की दुकान। ये माशाल्लाह मस्जिद जुमा है जो कि मस्जिद अल कुबा से बहुत ही नज़दीक में, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह। खजूर के बाग है माशाल्लाह। पहुंचने वाले हैं।
ये मस्जिद कुबा ज़्यारत के लिए ज़्यारत बस है जो कि इंडोनेशिया हुज्जाज लेके आए हैं माशाल्लाह।